सत श्रीकाल जी, मैं बलदीप पंजाब ग्लोबल मीडिया देख रहे सारे दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत करता है। जिथे केंद्र सरकार लखां करोड़ों रुपया खर्च के स्वच्छता अभियान चलाती है, उत्थे कपूरथला नगर निगम लखां रुपया कपूरथले की सफाई लिए खर्च रही है। की है कपूरथले की सफाई, आओ तुहानू दिखाने हैं। करते हैं कि सानू धरना लाने लई मजबूर ना करो, भी अहीं कारपोरेशन च आ के तुहाडे दफ्तर दे अगे कूड़ा सिट के धरना लाइए, क्योंकि किसी नूं भी इन्हां चों राणिआं चों किसी नूं भी कपूरथले नाल कोई निजी तौर दे उपर कोई हमदर्दी है। सानू इस प्रॉब्लम तों निजात दवाई जाए। देखो सारा स्टाफ सारा इकट्ठा होया, प्लीज़ इदां कीता जावे कि उत्थों बीमारियां फैल रही ने। करोना तों असीं हजे पूरी तरह सही नहीं होया है, फिर भी देखो असीं काम किस तरह करना है, पब्लिक नूं किस तरह डील करना। देखो जी, अज तो पहला जिहड़े भी इत्थे 20 साल तो MLA बनते आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं कपूरथले नूं पैरिस बना दूंगा, इत्थे इंडस्ट्री लिया के बेरोजगारी खत्म करांगे। किसी ने कुछ नहीं किया। हर साल जिहड़ी कपूरथले दे विच दिन प्रतिदिन जिहड़ी आ उह कूड़ा सुटने की समस्या आँदी है, क्योंकि हाल तक कपूरथले कोल अपना कूड़े का डंप नहीं लै सकिया। जे मोदी सरकार सेंटर सरकार तो ग्रांटा दिंदी आ, स्वच्छ भारत दे अधीन दिंदी आ, जे बाकी शहरां दे विच हालात ठीक आ ते कपूरथले दे हालात क्यों नहीं ठीक होंगे। कभी यह टैलीफोन एक्सचेंज के बाहर सड़न दे आ कूड़ा करकट, कभी कितने सड़न दे, कभी कितने सड़न दे आ। इसका एक योग प्रबंध होना चाहिए। हुण आम आदमी पार्टी आई है सत्ता दे विच, बहुत सारे लारे ला के लोगों को वादे करके आई है। उस भी वादा किया इन्होंने कि जी कपूरथला के कूड़े समस्या को खत्म किया जाऊगा, जोड़ा गर्मियों पीने वाले पानी की प्रॉब्लम आती है उन्होंने खत्म किया जाऊगा। पर मैं समझना कि सरकार बुरी तरह फेल साबित हुई है और हो रही है। जे पहलिया ने कुछ नहीं किया तो ये भी कुछ जोड़े कुछ करने समर्थ मैं लगते नहीं, सिवाए झूठिया गप्पा मारन तो झूठे लारे वादे कर। तो कपूरथले के को लोगों की कोई मैं समझदा कोई माड़ी किस्मत ही आ भी इन्हों कोई योग लीडर हाले तक मिलया नहीं, तो जिहड़ा कि कपूरथले नूं अपना समझ सके, कपूरथले नूं विच कोई अपनापन समझ के कपूरथले का विकास करा सके, क्योंकि किसी नूं भी इन्हां चों राणिआं चों किसी नूं भी कपूरथले नाल कोई निजी तौर दे उपर कोई हमदर्दी है नहीं। मैं तुम दसदा ना जी, ये जिन्हें पब्लिक थावान के बाहर इन्हों लगता कि शायद इतने कूड़ा सिटा तो कोई विरोध नहीं करूगा, पर इतने लोग पब्लिक जाती है, बच्चे जाते हैं, नौजवान बजुर्ग जाते हैं, जो स्टाफ है उसके अंदर, उन्होंने उसे अंदर बहना बड़ा मुश्किल है। मैं समझना कि यह पंजाब सरकार जल्द तो जल्द कपूरथले के कूड़े डंप वास्ते जगह लैके भावें जिन्ना मर्जी फंड खर्च करना पवे, सियासी रोटियां सेकण की बजाय कम करने वाल ध्यान दे के इन्हां कूड़े का डंप का प्रबंध करना चाहिए और कपूरथले पीने वाले पानी का जो प्रबंध है वो करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं हैड ड्राफ्टमैन है PWD ऑफिस के। तुसीं वेख्या ही है कि असीं कई उत्थे लिख के भी लगाया वा इत्थे, पर फिर भी रोज़ ना कूड़े के ढेर पता नहीं कितों महल्ले दे विच लोकी लिया के इत्थे, जां रेहड़ियां वाले कूड़े दे वाले जिहड़े आ ना उह लिया के इत्थे सिट जांदे आ। असी पिछले हफ्ता का होया असी पूरा सफाई सारी क्लीन कराया सीगा, उस तो बाद असी इत्थे लिख के भी लगाया भी इत्थे कूड़ा ना सिटिया जाए, पर फिर भी देखो साडी एंट्रेंस आ ऑफिस दी, एंट्रेंस दे बाहर लोकी नजायज़ तौर ते भेजी जा रहे आ, सिटी जा रहे आ, रोज़ राती नेरे च सिट जाते, कदों सिट जाते सानू नहीं पता। कोई नगर निगम का कोई बंदा नहीं इत्थे आ के ध्यान करता, कोई इनू डेली चक्कण का इंतजाम नहीं हैगा आ। इत्थे पहला इन्होंने वो लाई भी सी, एक जाली जी लाई सी भी कूड़े दे विच सिटन, लोकी उहदे विच सिटन, वह भी चुक के लै गए, हुण वह भी जाली भी इत्थों लै गए आ चक के। किन्ना देखो बरसात पैंदी आ, किन्ना मतलब जर्म्स पैदा हो गए आ, किन्ना दुखी करने वाला काम आ भी मुलाजम दफ्तर वड़न तो पहला ही बीमार हो गई अंदर जाए। किन्ना असी बहुत चिट्ठियां इन्हों लिख चुके हैं नगर निगम वालों, EO साहब जिहड़े भी इंचार्ज है उत्थे दे, उन्होंने असी सफाई करने लिए बहुत बारी किया वा, लिखिया भी है, साडे स्टाफ भी उत्थे जाके बार बार कई बार इन्हों किया वा, पर कोई ध्यान नहीं दिता जा रहा है। सरकारी दफ्तर होने के नाते मतलब असी उन्होंने फिर द्वारा अपील करते हैं भी सानू धरना लाने लई मजबूर ना करो, भी अहीं कारपोरेशन च आके तुहाडे दफ्तर के अगे कूड़ा सिट के धरना लाइए,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਪਊਗਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਇਨਹਾਈਜੀਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਢੇਰ ਦਿਖਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਰਿਓ ਕੈਮਰਾ ਉੱਧਰ ਜ਼ਰਾ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਢੇਰ ਆ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਐਂਟਰੈਂਸ ਆ। ਤਾਂ BSNL ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੂੜੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਆ, ਐਡੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਫਿਸ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ITO ਆਫਿਸ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ PWD ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ BSNL ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਆਫਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਪਬਲਿਕ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਮੋਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਲਈ, ਸਭ ਦਾ ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, EO ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪੂਨਮ ਟੁਟੇਜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ BSNL ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਆਫਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਬਟ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ।